मैंने आज दो तीन क्लिप्स देखी इंटरनेट पे, बहुत वायरल हो रही थी, कई लोगों की थी। दी थी भैया बहुत उछल उछल के बजा रही थी, वो कहते थे गो कोरोना गो। आप लोगों ने देखी होगी। दो तीन क्लिप्स मैंने ऐसी देखी, मुझे लगा कि उसके बारे में बात तो करनी चाहिए एटलीस्ट, कि हमारे समाज के वो लोग जिन या वो हिस्सा जिन पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मेन स्ट्रीम में कभी फेमस नहीं हो पाते, जिनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि बस गरीब हैं, भिखारी हैं, रोड पे इनका क्या योगदान है। लेकिन ऐसे लोग, और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोग कभी भी कैप्चर कर लेते हैं, कभी भी वायरल कर देते हैं, इस वजह से हम लोगों ने देख पाते हैं, एटलीस्ट समझ पाते हैं कि उनके मन में भी देशभक्ति है। कोई कभी मौका मिलेगा तो वो भी उठ के आएंगे। आज मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया एक किसी भी आम जनता में जो बड़े घरों में रहती है और उस भिखारी में जो रोड पे खड़े होकर बजाता है। आपको मैं क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। और ये वाली क्लिप में एक गरीब ही आदमी है, आप उसको चबूतरे पे बैठ के ये नहीं मान सकते कि उसका पीछे वाला घर उसी का है। वो बैठा है, शंख बजा रहा है, उसके साथ एक कुत्ता भी हाउल कर रहा है। तो मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है अपने समर्थन में। समझ का ये फेर है हमारे कि हमने उनके लिए आज तक क्या किया। वो उसी कंडीशन में रह गए, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। क्या किसी की नॉर्मल सिटीजन की, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को कभी देखे तो कोई मदद कर दे। मैं कई बार लोगों को वीडियो देखता हूँ कि कोई के मार पीट रहा होता है, लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन उसको बचाते नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि उसको बचाएं। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि उसको वायरल करा के उसको सजा दिला देंगे, तो जिसको मार पड़ रही, जो असहाय है, जो पिट रहा है, जो बुजुर्ग है, वो तो पिट रहा है ना यार, वो मार खा रहा है। मेरा इस वीडियो को बनने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये लोग भी हमारे अनसंग हीरोज ही हैं, ऐसे मौके पर नजर आते हैं बस। उनसे ये लोग कई बेहतर हैं, जो कुणाल कामरा जैसे लोग जो ऐसे मौके पर भी कहते हैं कि हम विंडो पे आके मिडिल फिंगर दिखाएंगे और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे देंगे। खैर, मैं उन जाहिलों की बात करके वीडियो की क्वालिटी नहीं खराब करना चाहता। और मैंने अभी आपको जो दिखाया था कुत्ते वाला, कि शंख के साथ साथ कुत्ते ने भी हार किया, और साथ ही मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें तोते ने भी बजाया। तोता कैसे कर सकता है, तोता वो ट्रेंड भी नहीं लग रहा था लेकिन वो कर रहा था। आपको दिखाता हूँ क्लिप। खैर, यहाँ मैं स्ट्रिक्ट होते हुए कहना चाहूंगा कि आपको जो एक वीडियो मैं और दिखा रहा हूँ कि कुछ एकदम जाहिल पागल कई कई जगह पे हुआ है, एक जगह पे नहीं हुआ, दो तीन जगह पे हुआ है। कि 50-100 की तादाद में लोग बाहर हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। खुशी नहीं मनानी है इसमें। मोदी ने पार्टी करने को नहीं कहा, मोदी ने कहा है बालकनी में निकल के समर्थन दीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, जो बजाना बजाइए, अपने घरों से बाहर निकलना है बस, अपनी शक्ल दिखाने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था रोड पर हुड़दंग मचानी है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो बात अलग है, तो जिन लोगों को समझ में आता मेरे भाई, वो लोग प्लीज़ ऐसी कहते हैं इनको रोकें अब से। अब तो हो गया ना, अब रोक लो। और क्योंकि हर जगह मोदी शाह पुलिस ये सब नहीं आएंगे ना रोकने, रोड पे खड़े होकर रोज भाषणबाजी करने कोई नहीं आएगा ना। इतनी तो नॉर्मल सिटीजन के मन में, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के मन में एक इतनी सोच होनी चाहिए, इतनी खुद की बुद्धि होनी चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारे किस एक्शन से क्या रिएक्शन निकल सकता है। प्लीज़, आउटब्रेक बहुत तेज़ी से हो रहा है, 400 क्रॉस कर चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो समझने की बहुत ज़रूरत है। 412 के आसपास है, वरना स्टेज 3 पे पहुँच गया तो 4 पे पहुँचते देरी नहीं लगेगी। बस मेरा एंड में एक मैसेज है कि लॉकडाउन ऑफिशियली अगर ख़त्म हो ना हो, जनता कर्फ्यू 14 घंटा का हो ना हो, सरकारों ने कई जगह लॉकडाउन लगाया है, कई स्टेट्स लॉकडाउन हो चुके हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को, अपनी सिर्फ अगर आज आप सेल्फिश हो जाइए, सिर्फ अपनी चिंता के लिए बाहर मत निकलिए कि मैं गया, मैंने कुछ छू लिया, मैं किसी के संपर्क में आ गया तो मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, बस उसी सेल्फिशनेस में घर में रहो प्लीज़। और इसको सीरियसली लेने की बहुत ज़रूरत है, वरना थर्ड स्टेज पहुँच गया अगर तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।